मनोजीत मंडल जी, एक बड़ा सवाल यह है कि टीएमसी के घर में बुरी तरह से सेंध लगा चुकी है बीजेपी, ऐसा लग रहा है। ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जो प्रसन्न जी भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि और भी नेता हैं जो संपर्क में हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, बड़े पद पर रह चुके हैं, क्यों अपने घर को एक नहीं रख पा रही है ममता बनर्जी? द्वारे द्वारे सरकार पहुंचेगी कहां? सरकार से तो लोग जा रहे हैं। आप मेरे को ये बताओ, ये देश में कहां नहीं हो रहा है? ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी चाल है। आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक कालिटा और यूपी में जाय पांडा, कहाँ पर नहीं हो रहे? बड़े बड़े लीडर दूसरे पार्टी से आ जा रहे हैं बीजेपी की। ये क्यों हो रहा है, बीजेपी में क्यों जा रहा है, हम सबको पता है। और अगर इलेक्शन के 3-4 महीने पहले कोई स्विच ओवर कर जाते हैं तो जनता इतनी यू नो बेवकूफ़ नहीं है। बंगाल की जनता बहुत शिक्षित है, सबको पता चलता है क्यों ये जा रहे हैं, क्यों ये लोग जा रहे हैं। ये खुश नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं है। 3-4 महीने पहले आपको पता चला, 7-8 सालों में आप सब तो मक्खन और घी सब तो खा लिया सब, भाई सब जी, मतलब मक्खन और घी खाने को मिल रहा था सरकार में, और बहुत सारे पोस्ट थे सरकार में, मक्खन और घी खाने को मिल रहा था इन सबको, मक्खन घी। अगर आप अगर देखिए, आप अगर बीजेपी की तरह हर बात लिटरली लोगे तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए नड्डा गड्डा चड्डा में भी डिबेट होती है। आप फिर बार बार उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मनोज जी। अभी आप कह रहे थे कि आप पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो गए ना मेरी नहीं, नहीं, आप अभी मक्खन का मतलब अगर लिटरली आप मक्खन के ले लिया तो हम क्या करें। मक्खन का तो एक हम तो रिटोरिकली कहा था। देखिए बात ये है, ममता दी के पास 200 से ज्यादा एमएलए हैं, खाली तो नहीं हो जाएगा, ये सब होता चल रहा है, जाएगा 10-12 तो नहीं हो जाएगा। नहीं, देखिए मैडम जी, ये अच्छा मैडम जी, 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम प्राइम मिनिस्टर खुद कहा थे कि मेरे साथ 80 लोगों का संपर्क है, अभी तक तो सरकार को गिरना चाहिए था, गिरे तो नहीं। अभी 3-4 महीने में देखिए उनका हालत देखिए, से जैसे गांव के जो बच्चा, जो गांव होता है ना, गांव के बच्चा जब पहले दूध पीता है कैसे लपकता है, कैसे झपक करते हैं, इस तरह से उन लोग लपक झपक कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लीडर नहीं है। वो दिलीप घोष साहब क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं कुछ तो पता नहीं, उनको लीडर कोई नहीं मानता है, उनका दल का कोई लीडर नहीं मानता है। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर वापस दूसरे पार्टी से आप लीडर लोगों को जारी रखेंगे। आप इसको नहीं, इसको आप बीजेपी क्यों कहो, इसको टीएमसी भी कहो ना, टीएमसी बी सी डी कहो। ठीक है, टीएमसी के ही लोग ज्यादातर वहां जा रहे हैं, बीजेपी के पास क्या नेता नहीं है और बड़ा चेहरा कौन होगा बीजेपी की तरफ से? क्या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी होगा? क्योंकि अभी तक जानकारी यही मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ही मैदान में उतरेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत।